जापान थी पापुआ न्यू गिनी की मुलाकाते पहुंचा वडाप्रधान मोदी, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग ना शिखर सम्मेलन में शामिल थया। संबोधन करता कहूं कि वन फेमिली वन फ्यूचर अमारो मूल मंत्र है, अमरा माटे समग्र दुनिया एक परिवार की जेम है। तो कोरोना काल में भारत संख्याबंध देशों की मदद करी थी। पीएम मोदी जणाव्यु कि भारत पापुआ न्यू गिनी भरोसापात्र पार्टनर है, अमे साथ ही देशों की मदद करता रहिए छे। तो तेनी साथे साथे तेमने सोलार एयरलाइंस ने साथे तमाम देशों ने जोड़वानी अपील पण करी हती। पापुआ न्यू गिनी की मुलाकात पहुंचेला वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पुस्तक थिरुकुलरन ना अनुवाद नु विमोचन कर्यु। आ पुस्तक शास्त्रीय तमिल कवि अने दार्शनिक तिरुवल्लभ पर आधारित है। तो कोरोना काल में पीएम मोदी देश युवा ने आ पुस्तक वाँचवा अपील की थी और कहूत कि तिरुकुलरल तमिल शास्त्रीय ग्रंथ है। आशा है कि देश युवा समृद्ध विचार और उत्तम आदर्शों ग्रंथ सामन आ पुस्तक जरूर वाँचते। श्रीनगर में G20 बैठक ने लई समग्र घाटी में पुलिस छांबड़ी में फेरवाई है। श्रीनगर में त्रण स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवानों पर मॉक ड्रिल कर चुक्या है। तो साथ ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तैनात कर G20 मीटिंग ने ध्यान में राखी एलिट NSG और मरीन कमांडो कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा में पुलिस और अर्धलश्करी दलों की मदद कर रहा है। मोटी संख्या में सुरक्षा दलों तैनात कर आ सिवाय कोईपण विस्फोटक अथवा IED की तपास माटे स्कैनर और स्नीपर डॉग तैनात कर शहर में पसार थता वाहनों सरप्राइज चेकिंग कर। पापुआ न्यू गिनी खाते वडाप्रधान मोदी फिजी सर्वोच्च सम्मान थी सम्मानित कर फिजी देश वडा प्रधान सितवनी राबुका द्वारा फिजी सर्वोच्च सम्मान कंपेनियम ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित कर। महत्व की बात है कि अत्यार सुधी गण्या गांठिया लोगों ने फिजी लोगों सम्मान मिल्यू छे। तो आवामां भारत माटे आ सम्मान अलग महत्व धरावे छे। G20 समूह देशों की यजमानी करता भारत ना विविध शहरों बाद हवे आज जम्मू काश्मीर में श्रीनगर पर G20 बैठक नु आयोजन थयुं छे। आज थी जम्मू काश्मीर श्रीनगर में G20 ने त्रीजी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू थी है। 3 दिवस सुधी योजनारी आ बैठक में श्रीनगर शहर ने शणगारवामां आव्युं छे। कलम 370 नाबूद थया पछी जम्मू और काश्मीर में आ प्रथम मोटी आंतरराष्ट्रीय घटना है। G20 देशों 60 प्रतिनिधिओ सहित 180 प्रतिनिधिओ आयोजित कार्यक्रम में भाग लई रह्या छे। तो बैठक प्रथम दिवसे श्रीनगर में G20 प्रतिनिधिओ ने काश्मीरी हस्तकला प्रदर्शित करता स्टॉल बतावाशे, जेमा लाकड़ा की कोतरणी कार्पेट और शाल नो समावेश थाय छे। भारतीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष BV श्रीनिवास गुवाहाटी पुलिस समक्ष हाजर थी रहा था। तो BV श्रीनिवास सामे आसाम कांग्रेस माथी आंकी काढ़वामां आवेल महिला नेता अंगकिता दत्ताए FIR दाखल करावी हती। आ पहला सुप्रीम कोर्टे भारतीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने मोटी राहत आपी हती। श्रीनिवासे आ केस में आगोतरा जामीन मेळवा माटे गुवाहाटी हाईकोर्ट आदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पड़कार्यो हतो। तो श्रीनिवास द्वारा दाखल करवामां आवेली आगोतरा जामीन की अरजी पर सुप्रीम कोर्ट की डिविजन बेंचे आसाम सरकार ने नोटिस पाठवी हती और 10 जुलाई सुधी जवाब रजू करवानो आदेश आप्यो हतो। तो सर्वोच्च अदालते श्रीनिवास ने तपास सरकार जे सहकार आपवानो आदेश करता 22 मेना रोज तपास अधिकारी समक्ष हाजर थवानो आदेश कर्यो हतो। जम्मू और काश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप कॉन्फरेंस पहला कार्यक्रम में मोटा फेरफार कर सूत्रों पास की मिलती महिती प्रमाण सम्मेलन में शामिल थनारा विदेशी मेहमान हवे गुलमर्ग नहीं जाए। आ साथ ज तपास एजेंसी द्वारा चुस्त सुरक्षा व्यवस्था गोठवा योग्य पगला लीवाया है। आ काश्मीर दल लेक पास CRPF की एक विशेष टुकड़ी तैनात कर श्रीनगर शेरे काश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फरेंस सेंटर खाते आ बैठक योजना आ। तो बैठक ने लेने 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था गोठवाई छे। भारत की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक बाद एक विवाद में सपड़ाई रही छे अने हवे ट्रेन कुदरती आपत्ति नो शिकार बनी छे। रविवारे पूरी हावड़ा रूट पर भारे वरसाद अने वावाझोड़ा ने कारण वंदे भारत ट्रेन ना काच पर वृक्ष की एक डारी पड़ी थी, जेना कारण ट्रेन नो काच तूट्यो हतो। तो कलाकों सुधी ट्रेन आगे बढ़ी शकी न हती। ओडिशा
जाजपुर जिला ना बेतरणी रोड पर आ बनाव बन्यो हतो, जे दरमियान कोई इजा थई नथी, परंतु कांच तूटी जता जे ट्रेन ना पायलट छे केबिनेट छे तेनो पण कांच तूटी गयो हतो। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हवामान में एकाएक पलटो आता वरसादी झापटा पड़ा था। शहर में वरसादी झापटा ने कारण लोगों ने गर्मी में राहत मिली है। वरसाद ने कारण बेंगलुरु अनेक नीचाणवाड़ा विस्तारों में पानी भराई गया था। पानी भराई जवाने कारण शहर अनेक विस्तारों में ट्राफिक की समस्या सर्जाई थी, तो स्थानिक वहीवटतंत्र लोगों ने सावधानी और सावचेती राखवा अपील की है। बेंगलुरु वहीवटतंत्र नीचाणवाड़ा विस्तारों में भराये पानी निकाल माटे कामगिरी शुरू की है। दिल्ली में केन्द्र सरकार अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी केन्द्र अध्यादेश ने बंधारण विरुद्ध गणाव्यू है, तो मामले भाजपे पर प्रेस कॉन्फरेंस योजीने केजरीवाल सरकार पर निशान साध्यू है। रविवार भाजपा सांसद हर्षवर्धन सिंह और मनोज तिवारी प्रेस कॉन्फरेंस योजी थी, जेमा केजरीवाल सरकार ने आड़े हाथ लेता कहूं कि आपने दिल्ली ने केजरीवाल से बचावा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार मनमानी चलावे, जे पण केजरीवाल सामे बोले तेने तेनु कद घटाड़ी देवामां आवे छे। केजरीवाल थी मोटो भ्रष्टाचारी कोई नथी, एटले ज एक पछी एक सहयोगी तेमने छोड़ीने चाल्या जाय छे। मोदी सरकार ने हरावा माटे केजरीवाले भ्रष्टाचारीओ साथे हाथ मिलाव्या छे। अमेरिकाना पाड़ोशी देश मेक्सिको में पण फायरिंग की घटना बनी। उत्तरी मेक्सिको में आवेल बाजा कैलिफोर्निया नामना शहर में योजायेली कार रेसिंग इवेंट में फायरिंग की घटना बनी, जेमा 10 कार रेसर्स ना मौत थया था। तो आ फायरिंग करनार हुमलाखोरोना हाथ में मोटी बंदूको हती, वारनी बहार निकळ्या बाद तेमणे अंताधुंध फायरिंग कर्यु, तो आ हत्याकांड ने पगले स्थानिक तंत्र थी मांडीने पोलीस तंत्र पण दौड़तुं थयुं छे। फायरिंग में 10 लोकोना स्थळ पर ज मौत थया हता, ज्यारे 9 लोको इजाग्रस्त थया हता, जेमने सारवार माटे होस्पिटल खसेड़वामां आव्या हता। लोकसभा ने चूंटणी ने लईने बीजेपीए उत्तराखंड में तैयारी तेज करी है। 30 मे थी भाजप उत्तराखंड में जनसंपर्क अभियान शुरू करशे। जून महीना में प्रधानमंत्री मोदी, केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह, यूपी ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक महानुभावों लोकसभा चूंटणी भागरूपे उत्तराखंड में जनसभा योजशे। तो उत्तराखंड भाजप प्रदेश प्रमुख महेन्द्र भट्टे जणाव्युं छे के पिथुरागढ़ सरहदी क्षेत्र जे गुंजी में पीएम मोदी रेली योजने जनसभा संबोधित करवाना छे। 30 जून सुधी चालनारा आ महाअभियान की तैयारी ने लईने कार्यसमिति की बैठक में पण चर्चा कराई हती। ₹2000 ने चलनी नोट एक्सचेंज करवाने लईने बैंकों माटे एडवाइजरी जाहिर करवामां आवी छे। आ एडवाइजरी अनुसार बैंक में ₹2000 की चलनी नोटो बदलावा माटे हवे कोईपण रसीद की जरूर नहीं पड़े। एक समय में महत्तम 20,000 सुधीनी रकम रसीद विना बदलावी शकाशे, एटले के 2,000 नी 10 नोटो बैंक एकाउंट पर थी एक्सचेंज करावी शकाशे। तो बैंक काउंटर पर थी आप तमाम जे नोटो छे ते एक्सचेंज करावी शकाशे। तो 20,000 थी वधुनी रकम माटे पान कार्ड नी विगत भरवी आवश्यक रहेशे। तो बैंक में नोट एक्सचेंज करवा माटे हवेथी कोईपण ओळखपत्र नी जरूर नहीं पड़े। ओळखपत्र विना पण चलनी नोटो एक्सचेंज करावी शकाशे। आसाम सरकारे शाळाना शिक्षकों माटे ड्रेस कोड जाहिर कर्यो छे। शिक्षकों माटे ड्रेसना नियमों जाहिर करती वक्त सरकारे कह्युं छे के केटलाक शिक्षकों एवा कपड़ा पहेरवानी आदत होय छे जे जाहिर में स्वीकार्य नथी। 19 मेना रोज जारी करवामां आवेल नोटिफिकेशन में जणाववामां आव्युं छे के शिक्षकों वर्गों में मात्र सौम्य रंगना फॉर्मल कपड़ा पहेरीने ज शिक्षण कार्य करवुं जोईए अने तेमणे पार्टी वियर जेवा कपड़ा पहेरवा जोईए नहीं। आसामना शिक्षण मंत्री रनोज पेगुए ट्वीट करी आ आदेश शेर करता लख्युं छे कि शाळाना शिक्षकों माटे निर्धारित ड्रेस कोड अंगे केटलीक गैरसमजो छे। हुं शाळाना शिक्षकों माटेना ड्रेस कोड अंगे स्पष्टता माटे सूचना शेर करी रह्यो छुं। दिल्लीना मुख्यमंत्री केजरीवाल मंगलवार ममता बेनर्जी साथे मुलाकात करशे। नीतीश कुमार अने तेजस्वी यादव साथेनी मुलाकात बाद केजरीवाल आ अंगे सत्तावार जाहेरात करी छे। ममता बेनर्जी साथेनी बैठक बाद केजरीवाल तमाम विपक्षी दळोना अध्यक्षने मळशे, जेमां ते राज्यसभामां नवा अध्यादेशनो विरोध करवानी अपील करशे। दिल्ली अध्यादेश पर केन्द्रने हरावा माटे केजरीवाल तमाम विपक्षी दळोनुं समर्थन मांगवाना छे। प्रेस कॉन्फरन्स दरमियान केजरीवाले आ वातनी स्पष्टता करी छे।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह पद पर राजीनामु आपे धरपकड़ करवामां आवे तेवी मांग साथे केटलाक कुस्तीबाजो दिल्ली जंतर मंतर मैदान पर धरना आपी रह्या छे। त्यारे हरियाणा रोहतक में कुस्तीबाजोना समर्थन में खाप पंचायत योजाई। हरियाणा मेहाम में ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा खाते आ खाप पंचायती हती। दिल्ली में सातमी मेरा रोज अलग अलग खाप पंचायत नेता एकबीजा ने मळ्या हता अने त्यारे मेहाममां सर्वे खाप पंचायत योजवानुं नक्की कर्युं हतुं। हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब सहित राज्यों में 200 जेटला खाप प्रतिनिधिओ रोहतक में जे मेहाम पहोंच्या हता। खाप पंचायत नेताओं केन्द्र सरकार ने ब्रिजभूषण सिंह की 20 मे सुधी धरपकड़ करने अल्टिमेटम आप न थाय तो कुस्तीबाजों समर्थन में खाप पंचायत योजना। नेपाल में सरगमथा एटले कि स्वर्गन मस्तक कहवाता विश्वन सौथी ऊंचू शिखर माउंट एवरेस्ट धीमे धीमे बरफ गुमावी रह्युं छे अने वधु सूकू अने खड़काळ बनी रह्युं छे। आ बात करी माउंट एवरेस्ट पर 17मी वखत चढ़ाई करनार ख्यातनाम ब्रिटिश पर्वतारोहक केन्टोन फूले तेमणे एवरेस्ट नी आ बात करता पोतानी वेदना ठालवी हती। तेमणे कह्युं छे कि पहली बार 2004 मां एवरेस्ट पर चढ़ाई करी हती। 2000 ना दशक में प्रारंभ में वर्षो में एवरेस्ट पर पुष्कळ बरफ जोवा मळतो हतो परंतु हवे ते वधु सूको अने खड़काळ बनी रह्यो छे। बरफ पण घटी रह्यो छे। वर्षे वर्षे आ गतिविधि चालती रहती होय छे जेना कारणे ओछी थती हिमवर्षा पण होय शके छे। ते माटे विश्वनुं वधी रहेलुं उष्णतामान कारणभूत होय शके छे। छेल्લા કેટલાક વર્ષોથી એરફોર્સના MiG-21 વિમાન ક્રેશ થવા સહિતના અકસ્માતોની ઘટના વધી છે જેમાં અનેક જવાનો અને પાયલટે જીવ ગુમાવ્યો છે। આ સ્થિતિ વચ્ચે હવે ભારતીય એરફોર્સે બધા જ MiG-21 વિમાન પર હાલ રોક લગાવી છે તેથી આ વિમાન હાલ ઉડાન નહીં ભરે। તાજેતરમાં જ રાજસ્થાનમાં એક MiG-21 વિમાન ક્રેશ થયું હતું જેમાં 3 લોકોના મોત થયા હતા। 1963માં એરફોર્સમાં મિગ વિમાનોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો જે બાદ ભારત દ્વારા 700થી વધુ MiG-21 વિમાન ખરીદવામાં આવ્યા હતા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જાપાનના 2 દિવસ રોકાયા। જાપાનના પ્રવાસના બીજા દિવસે પીએમ મોદીએ હિરોશિમામાં પીસ મેમોરિયલની મુલાકાત લીધી। આ એ સ્થાન છે જ્યાં 78 વર્ષ પહેલા અમેરિકાએ પરમાણુ બોમ્બ ફેંક્યા હતા। પીએમએ હિરોશિમા પીસ મેમોરિયલ ખાતે પરમાણુ બોમ્બ હુમલામાં માર્યા ગયેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી। ત્યારબાદ પીસ મેમોરિયલ મ્યુઝિયમની પણ મુલાકાત લીધી। પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે આજે પણ વિશ્વ હિરોશિમાનું નામ સાંભળીને ધ્રુજી ઉઠે છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હિરોશિમામાં બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી। ઋષિ સુનક સાથે પીએમ મોદીની ઉષ્માભેર મુલાકાત થઈ હતી અને એકબીજાને ભેટીને આવકાર્યા હતા। બંને નેતાઓએ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની સમીક્ષા કરી હતી। સુનક બ્રિટનના પ્રથમ ભારતીય મૂળના અને બિન શ્વેત વડાપ્રધાન છે। તેઓ ભારતીય સોફ્ટવેર કંપની ઇન્ફોસિસના સહસ્થાપક નારાયણ મૂર્તિના જમાઈ પણ છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હિરોશિમામાં ચાલી રહેલા G7 બેઠકમાં અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। G7 એ વિશ્વના 7 વિકસિત અને સમૃદ્ધ દેશોનો સમૂહ છે જેમાં કેનેડા, ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, જાપાન, બ્રિટન અને અમેરિકા સામેલ છે। મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ભોપાલ એરપોર્ટ પરથી પ્રયાગરાજ જનારી ફ્લાઇટનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું। શિવરાજસિંહ ચૌહાણે લીલી ઝંડી બતાવીને ફ્લાઇટને રવાના કરાવી તો પ્રયાગરાજ જનાર તીર્થયાત્રીઓ માટે આ વિશેષ ફ્લાઇટ શરૂ કરવામાં આવી છે। ફ્લાઇટની અંદર તીર્થયાત્રીઓ સાથે પણ શિવરાજસિંહ ચૌહાણે વાતચીત કરી હતી। મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે જુહુ બીચ પર ચાલી રહેલા સ્વચ્છતા અભિયાનમાં ભાગ લીધો। એકનાથ શિંદે G20 પ્રતિનિધિઓ સાથે મળીને બીચ પર સાફ સફાઈ કરી। મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ રમેશ બેસ પણ સ્વચ્છતા અભિયાનમાં એકનાથ શિંદે સાથે જોડાયા હતા। ₹2000 ચલણી નોટ બંધ કરવા મામલે હવે સચિન પાયલટે પણ મોદી સરકારને આડે હાથ લીધી છે। નોટબંધીને યાદ કરતા સચિન પાયલટે સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા। નોટબંધી થઈ ત્યારે મોદી સરકાર કહેતી હતી કે કાળું ધન સમાપ્ત થશે, વિદેશમાં જમા થયેલું કાળું નાણું પાછું આવશે, તો કોઈ નાણું પરત આવ્યું નથી। હવે અચાનક ₹2000 ચલણી નોટો બંધ કરી નાખી, ખબર નથી પડતી કે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય શું છે। લોકોને કારણ વિના તકલીફ આપી યોગ્ય નથી। સચિન પાયલટે સરકારની નીતિ પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું છે કે પહેલા પણ સરકાર ખોટા પગલાં લઈ ચૂકી છે, હવે ફરીથી સરકાર એ જ રસ્તા પર ચાલી રહી છે।
गोरखपुर प्रवास बीजा दिवसे सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार योजु गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार में समस्याओ सांभळी तो लोकोना प्रश्नों सांभळ्या बाद सीएम योगीए तेमने उकेलवानी खातरी पण आपी हती। धोमधखती गरमी वच्चे महाराष्ट्र में फरी एक बार जलसंकट उभू थयुं छे। नासिकना खोकबिहर गाम में पीवाना पाणी माटे स्थानिकोए भारे हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। आ गाम में छेल्ला त्रण महीनाथी पीवानुं पाणी मळतुं नथी। गाम में थोड़े दूर एक कूवो आवेलो छे ज्यां पाणी भरवा माटे दररोज पड़ापड़ी थाय छे। आ कूवामां पण पाणीना स्तर ऊंडे जता रह्या छे। गामनी महिलाओ बेड़ाने दोरी बांधीने कूवानी अंदर नाखे छे, त्यारबाद खेंचीने पाणी भरवुं पड़े छे। आ कूवामां पण पाणी अत्यारे पीवा लायक नथी, तेम छतां ग्रामजन दूषित पाणी पीवा माटे मजबूर बन्या छे। जम्मू काश्मीर श्रीनगर में योजनार आज G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की समिट है, तेने लईने स्थानिक तंत्रे तैयारी पूरी करी है। G20 समिट की सुरक्षा विषय पर जे बात करता काश्मीर एडिशनल डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार जणाव्युं कि अमे सुरक्षा व्यवस्थाओं तमाम बंदोबस्त कर्या छे। काश्मीर में G20 समिट की बैठक 22 मीना रोज एटले आजे के शुरू थवानी छे, त्यारे BSF ना जवानों द्वारा चेनाब नदी किनारे आवेला आंतरराष्ट्रीय सरहदी विस्तार में सघन पेट्रोलिंग पण करवामां आव्युं छे। हवाई सुरक्षा माटे एंटी ड्रोन उपकरणों उपयोग करवामां आवशे। सुरक्षा व्यवस्था माटे सेना ने NSG की पण मदद लेवामां आवी रही छे। आ G20 की बैठक में क्लाइमेट चेन्ज, आरोग्य, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अने एनर्जी सस्टेबिलिटी जेवा वैश्विक मुद्दा पर विचारणा थशे। त्रण लेयर सुरक्षा व्यवस्था गोठवामां आवी छे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप समिट की बैठक शेरे काश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फरेंस सेंटर खाते 22 मे थी 24 मे दरमियान उजाशे। गुजरात में गृहिणियों माटे राहतना समाचार। मोंघवारी वच्चे सींगतेलना भाव में घटाड़ो थयो छे। सतत भाव वधारा बाद हवे सींगतेलना भाव में घटाड़ो नोंधायो छे। एक ज अठवाडिया में सींगतेलना भाव में 50 नो घटाड़ो थयो छे। सींगतेलना 15 किलोना डब्बानो भाव 2700 थी 2800 सुधीनो छे, तो कपासिया तेलना डब्बानो भाव 1520 थी 1600 नोंधायो छे। जो कि गत वर्षे सींगतेल अने कपासिया तेलना भाव सरखा हता, ज्यारे आ वर्षे सींगतेलना भाव में 1000 नो वधारो थयो छे। बजार में मंदी अने अन्य तेलबिया भावना घटाड़ो थयो होवाने कारणे व्यापारीए भाव घटाड्यो छे। सूरत खाते 26 અને 27 મેના રોજ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર યોજાશે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહેવાના છે, જેને પગલે અલગ અલગ 12 સમિતિ બનાવવામાં આવી છે। ઘણા લોકોને સમિતિમાં જોડવામાં આવ્યા છે, જે પોતાની જવાબદારી પૂરી કરશે। પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। ધારાસભ્ય સંગીતા પાટીલે કહ્યું હતું કે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીની ઈચ્છા હશે તે મુજબ પબ્લિકમાંથી બોલાવશે। 2 થી 2.5 લાખ લોકો ઉપસ્થિત રહેવાની ધારણા છે। अठ्यावीस मेना रोज पाटण में लेव पाटीदार समाज की कुप्रथा और कुरिवाजों बंद करने महिला सम्मेलन योजाशे। सम्मेलन में खर्चाड़ और देखादेखी बनावेला रिवाजों से बंद करने, रिसेप्शन सहित बेबी सावर जीवी प्रथा बंद करने अंगे चर्चा कर पाटण में लेववा समाज की महिलाओं सम्मेलन योजाशे। राजकोट शहर और जिला में राइट टू एज्युकेशन अंतर्गत खोटी रीते ले प्रवेश तड़ातड़ रद्द कर RTE अंतर्गत एडमिशन रिचेक जे करवाना सरकार परिपत्र बाद अंदाजित 400 बाळकों ने खोटी रीते प्रवेश आप्यो होवानुं सामे आव्युं छे। जिला शिक्षण अधिकारी BS कैलाय जणाव्युं हतुं के विद्यार्थीए गत वर्षे धोरण 1 में अभ्यास करी लीधो हतो, तेवा विद्यार्थीओना रेकॉर्ड चाइल्ड ट्रेकिंग सीस्टम में चेक करीने तेमना एडमिशन रद्द करवा ની શાળાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે। બીજી વખતે RTEમાં પ્રવેશ મેળવવાનું એડમિશન રદ કરવા બદલ શાળા છે તેને વિદ્યાર્થીનું એડમિશન કન્ફર્મ કરશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। ગાંધીનગરમાં 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના પેપર ચકાસણી કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ સહિત કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ ઓછા માર્ક્સ આવે તે લોકોના ગુણ ચકાસણી કરવામાં આવે છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે राज्य में अंदाजित 5000 की आसपास विद्यार्थियों गुण चकासणी माटे अरजी करी हती। आगामी 4 जून रोज भगवान जगन्नाथ की जड़यात्रा योजाशे, त्यारे मंदिर में तड़ामार तैयारी शुरू कर देवामां आवी छे। जड़यात्रा में आमंत्रण पत्रिका पण छपाई वितरण करवामां आवी छे। खास करीने जड़यात्रा में
आ वर्षे जे परत भरेली छत्रीवाड़ी डांस नो ग्रुप परफॉर्म करशे। जड़यात्रा में मुख्य अतिथि अमदावाद ना शिवानंद आश्रमना स्वामी परमात्मानंद सरस्वती महाराज हाजर रहेशे। जड़यात्रा में जगन्नाथ मंदिर से शोभायात्रा रूपे साबरमती ना सोमनाथ ना भूदर ना आरे गंगा पूजन करवामां आवे छे। 108 कलश में जल भरी लावी भगवान ने अभिषेक करवामां आवे छे। त्यारबाद भगवान मोसाळ जाय छे। द्वारकाना सलायामां पाणी मुद्दे महिलाओं रणचंडी बनी हती। मोटी संख्या में महिलाओं माटला लई नगरपालिकाए पहोंची रोष ठालव्यो हतो। उंडाळामां उकळाटमां पण 20 दिवसे पाणी न मळतुं होवानो महिलानो आक्षेप छे, जेथी नगरपालिकाए महिलाए विरोध नोंधाव्यो हतो। पीवानुं पाणी समयसर न मळता गरीब परिवारो छे ते वेचातुं पाणी लेवा माटे मजबूर बन्या छे। 40,000 ની વસ્તી ધરાવતા સલાયામાં પણ પાણીની સમસ્યા વિકટ બની રહી છે। ભાવનગરના ભરતનગર વિસ્તારમાં ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડનું 3 માળિયા મકાન છે। બ્લોક નંબર 14માં દાદરા સહિતનો મકાનનો અમુક ભાગ અચાનક ધરાશાય થયો હતો। મકાનમાં રહેતો પરિવાર ધરાશાય થયેલા કાટમાળમાં ફસાયો હતો। तो समग्र घटना अंगे जाण थता स्थानिक फायर ब्रिगेड तात्कालिक घटनास्थले पहोंची परिवार ने सुरक्षित बाहर काढ्या हता। राजकोटना गोंडलना वासाबड़ गामे नदी में नहावा पड़ेला बे बाळको डूब्या छे। नदीना खाडामांथी जे बन्ने बाळकोना मृतदेहने बहार काढवामां आव्या छे अने मृतदेह गोंडलनी सरकारी होस्पिटलमां पोस्टमोर्टम अर्थे खसेडवामां आव्या छे। तो गोंडलना वासाबड़ गामे नदी में पड़ेला जे खाड़ा में 15 वर्षनो यासन अने 11 वर्षनो मोइन नामना बाळको नहावा पड़ा था, परंतु बाद में डूब्या था अने बन्ने मौत ने भेट्या था। सूरत वीज कंपनी की परीक्षा में गैररीतिना केस में क्राइम ब्रांचे बे आरोपी की धरपकड़ करी है। जे आरोपी 5 दिवस रिमांड पर है, तो जेमा महत्वना खुलासा थया होवानी पण माहिती प्राप्त थई छे। आरोपीए उम्मेदवार दीठ 7-10 लाख रूपया पड़ाव्या होवानी वात सामे आवी छे। तो सूरत क्राइम ब्रांच वधु पूछपरछ करी मोटा खुलासा करे तेवी शक्यता छे। वीज कंपनीनी परीक्षा एसीपीयूमांथी 2 मॉनिटर ऑपरेट थाय ए प्रकारनुं सॉफ्टवेर बनाव्युं हतुं। क्राइम ब्रांचे सर्च ऑपरेशन दरमियान केटलाक सीपीयू पण कब्जे कर्या हता। भरूचना कच्छीपुरा गामे केमिकल युक्त पाणी पीता 25 जेटला ऊंटना मौत थया हता। पशुपालकोए पोलीस फरियाद करवानी तजवीज हाथ धरी हती। साथे साथे पशुपालकोए जिला कलेक्टर ने पण रजूआत करवानो निर्णय कर्यो छे। वडोदराना सुरसागरमां विराजमान सुवर्ण मढित सर्वेश्वर महादेवजीनी मूर्ति उपर अचरज पमाड़े तेवुं काळा कलरनुं कुंडाळुं जोवा मळ्युं। प्राथमिक दृष्टिए मधमाखीए शिवजी उपर घर बनाव्युं होय तेवो अंदाज छे। तो सोनानी मूर्ति उपर काळा कलरनुं कुंडाळुं जोवा मळता लोकोमां आ विषय चर्चानो विषय बन्यो छे। अमदावादना कणबामां मानव तस्करी गेंगना एक दंपति सहित 15 लोकोनी संडोवणीनो खुलासो थयो छे। ह्यूमन ट्राफिकिंगमां संडोवायेलो दंपति 2-2.5 लाख रूपया मां सगीराओ छे तेनो सोदो करता हता। तेओ सगीरानुं अपहरण करी एजेंट चेहर सोलंकीने आपता हता। तो तेओ आ सगीराओ छे तेने गुजरात महाराष्ट्र राजस्थानमां वेचता होवानो खुलासो थयो छे। वर्ष 2002 गोधराकांड बाद गुजरात ने बदनाम करवाना केस में आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने अमदावाद लाबा अरजी कराई छे। पालनपुर जेल में अमदावाद जेल में खसेड़वानी अरजी की मांग करवामां आवी छे। तो केस नोंधियो त्यारथी अत्यार सुधी संजीव भट्ट छे ते कोर्ट समक्ष रजू न करायो होवानी वकीले रजूआत करी छे। 5,000 થી વધુ પેજની ચાર્જશીટ માં કરાયેલા આરોપ મામલે વાતચીત જરૂરી હોવાની વકીલે રજૂઆત કરી છે। તો આ કેસમાં તીસ્તા सेतलबाळ अने आरबी श्रीकुमार पण आरोपी छे। अगाउ आरोपी आरबी श्रीकुमारे पोताना केसमां अलग थवा अरजी करी हती। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए बनास डेरीए स्वीट क्रांति करेला तमाम कार्योना वखाण कर्या हता। पीएम मोदीए कह्युं छे कि नवोत्थानमां बनास डेरी हंमेशा मुखरे रहे छे, साथे साथे बनास डेरीनी हनी लैब पण उपयोगी साबित थशे।
बनास डेरी दूध की जेम मध उत्पादन माटे पण काम करे छे। महत्वनुं छे के वर्ष 2022-23 में बनास डेरीए 98 टन मधनुं उत्पादन कर्युं हतुं।